हेलो ये वो तो कैसे हैं आप सभी लोग तो स्वागत है आप सभी का सिमुलेटर के वीडियो के अंदर तो भाई लास्ट एपिसोड में आप सभी को मालूम ही होगा यार हम लोगों हम लोगों ने हमारा जो मोटल का गैस स्टेशन इसको अपग्रेड कर लिया पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही गैस स्टेशन था लेकिन अब अपग्रेड करके हमने यहाँ पे दूसरा गैस स्टेशन भी लगा दिया है तो भाई इससे यार हमारी जो सेल्स है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई है और आप देखो भाई हमारे स्टोर के ऊपर भी बहुत सारे एम्प्लॉज काम कर रहे हैं एक यहाँ पर काम कर रहा है एक को मैंने यहाँ पर पेट्रोल पंप पे लगाया और एक को मैंने वेयर हाउस में लगा रखा है यहाँ का जितना भी सामान है अरेंज करने के लिए तो भाई यहाँ पे तो इस बंदे को कुछ ज्यादा ही काम दे दिया मैंने अभी यहाँ वॉशिंग मशीन से सामान निकाल लेते हैं ठीक है चलो इसको भी लगा दो इसको भी लगा दो ठीक है अब वॉशिंग मशीन चालू हो गई अबे हो जा ठीक है भाई तो यहाँ पर ये यह हो गई वॉशिंग मशीन चालू तो देखो यार मैंने ना यहाँ सब तो काम कर दिया और मैंने ना रूम नंबर वन और रूम नंबर टू को भी थोड़ा अपग्रेड कर दिया है यहाँ पे देख लो यार अंदर से भाई पहले इस रूम का हाल कुछ और था और अब कुछ और हो गया मतलब यार अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है ये पहले के मुकाबले तो अभी यार ये यह वाली यहाँ किससे लगाई इसको यहाँ लगाने यहाँ पे मस्त उल्लू एकदम मस्त दिख रहा है और यहाँ पर भाई टीवी लगा दी है मैंने और बाथरूम भी देख लो बाथरूम भी मैंने सत्यानाश कर दिया शायद से मेरे लेकिन भाई मेरे को तो अच्छा लग रहा है अभी नीचे वाले टाइल्स लगाना बाकी है तो वो भी कर लेते हैं लेकिन देखो मुझे अब फाइनली पता चल चुका है कि इन चोरों का करना क्या है जो अपने वेयर हाउस से सामान चोरी करके लेके जाते हैं तो देखो यार मैं अभी लास्ट टाइम इस गेम को खेल रहा था तब मुझे पता चला कि यहाँ पर जो भी चोरी करने आते हैं अगर अपन ने चोरी के टाइम उनको मार दिया तो भाई हम लोगों को उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा अगर भाई पुलिस वाले आ गए और उनको पता चलेगा कि हमारे मॉडल पे अपने एम्प्लॉय की या फिर भाई अपने कोई कस्टमर की डेड बॉडी है तो भाई वो हमसे ढाई सौ डॉलर चार्ज करते हैं लेकिन भाई लकीली लास्ट टाइम जब ये हुआ तो इन लोगों ने भाई अब जो चोर थे उन लोगों ने भाई अपना एक कस्टमर को मार दिया था और हम लोगों ने उसकी और उस बंदे की डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया था और उसकी वजह से भाई मेरे को ढाई सौ डॉलर का चालान भी नहीं देना पड़ा वरना भाई मैं तो कंगाल हो जाता लेकिन अभी यार मेरे को है ना यहाँ पे थोड़ा और तेजी से हाथ चलाना है ताकि जो मेरा मोटेल है है बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाए भाई साहब ये क्या है यार मतलब यार कचरा कुछ ज्यादा ही करके जा रहे हैं वैसे ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं इसको यहाँ पे ठीक है ये काम हो गया आप कलेक्शन भी तो कर ही लेते हैं सोलह डॉलर नाइनटीन डॉलर भाई सौ डॉलर ठीक है और इसको भी खड़ो करते हैं ठीक है अब यार कस्टमर आ चुके हैं अपने भाई यहाँ पे तो जल्दी चल से चलते अपने ऑफिस में और इनसे बात करते रूम चाहिए ठीक है सर वैसे मेरे पास रूम अवेलेबल है तो एक काम कर रूम नंबर टू ले जाइए सर जी आपके लिए ही बना हुआ है ठीक है रूम रेडी नहीं है अब क्या नहीं है भाई उस रूम में तो अभी फिलहाल यार ये वाले सर जी को सिंगल है तो यहीं पे इसको दे देते हैं ये वाला रूम चलो निकलो सर जी यहाँ पे काम खत्म और मैंने डिलीवरी में भी मैंने थोड़ा बहुत सामान मंगाया है जो मेरे स्टोर के लिए ना थोड़ा बहुत जरूरी आइटम था जैसे यार मैंने ना यहाँ पर एक सेकेंड इसको हटाते हैं यहाँ पर देखो यार अभी अपना ये जो फ्रिज है एक तो इसके अंदर ज्यादा सामान लोड भी नहीं होता और यहाँ पर ना भाई ये वाला फ्रिज से उतनी अपन को ज्यादा रिक्वायरमेंट हो भी नहीं पा रही तो मैंने एक बहुत ही बड़ा वाला फ्रिज यहाँ पे मंगा लिया है अभी भाई उसकी डिलीवरी भी होने ही वाली है थोड़ी देर में और भाई साहब यहाँ पर ये यह सब सामान भी नया मैं साफ कर करके कर थक गया हूँ ठीक है चलो ये कर लेते हैं और यहाँ पर देख रहे हो पूरा का पूरा जो सामान है वो भी खत्म होने पर आ गया है तो अपन को इसको भी भरना ही पड़ेगा यहाँ पे चिप्स के पैकेट रखे हुए लेकिन ये वाले चिप्स तो खत्म ही हो गए भाई पूरे के पूरे अभी फिलहाल ये डिलीवरी आ चुकी है वेयर हाउस पे तो वहां जाके डिलीवरी ले लेते हैं तो क्या क्या सामान है भाई इसमें अच्छा भाई यही सामान है अभी तो वो वाला सामान आया नहीं है शायद से मैंने ऑर्डर करना भूल गया तो ठीक है इसको जल्दी जल्दी भाई यहाँ से निकालो तेरह डॉलर पर मिल गए अब हो गए भाई सिक्स ट्वेंटी डॉलर्स तो भाई देखो मैंने शायद से ऑर्डर किया नहीं था और वो आया नहीं है तो मेरे को दोबारा से ऑर्डर करना पड़ेगा तो जल्दी से कर लेते तो भाई यहाँ पर एक फ्रिज है अब ये वाला फ्रिज बड़ा है लेकिन भाई इसमें इतना सामान नहीं आ पाएगा जितना अपन को जरूरी है तो भाई मैं बड़ा वाला एक फ्रिज मंगा रहा हूँ और इस वाले फ्रिज में तो आएगा नहीं भाई ये तो एक काम करो बड़े वाला ट्रक मंगा लो और मैं सोच रहा हूं एक ट्रक खरीद लो क्योंकि भाई मैं फालतू में इसको पैसे देता हूँ उससे अच्छा भाई मैं एक अपने लिए ट्रक ही क्यों ना खरीद लू तो भाई मैंने यहाँ पर दो बॉटल और इसकी मंगा ली है और पानी की बॉटल भाई मैंने तीन मंगा लिए है चार कर दी ठीक है आप ना भाई यहाँ पे जूस भी बहुत सारे रखे हैं तो भाई मैं जूस भी मंगा ही लेता हूँ ये एप्पल का मंगा लेते हैं तीन पैकेट और मैंगो का तीन ठीक है सात सौ चौवन डॉलर सबसे पहले भाई इन लोग की पेमेंट डेली वेजेस बंद कर देते हैं ये लोग अभी पेमेंट काट लेंगे और भाई मेरे को है ना अभी जरूरी है अपने सामान को बुलाने के लिए तो पेट्रोल पंप चलते हैं और वहां से थोड़ा बहुत कलेक्शन कर लेते हैं से डॉलर भाई क्या यार कम हो रहा है थोड़ा ठीक है चौबीस डॉलर एक सौ इकहत्तर नहीं वह जितना भी था भाई मैंने देखा नहीं और पे बूथ से भी तो लो यहाँ पे मैंने एक फोन भी लगा दिया जिन लोगों को बात करनी है तो कर सकता है ठीक है चलो यहाँ से अभी अपने पास वन थाउजेंड डॉलर आ चुके हैं और मेरे को अभी सामान मंगाना है उसके बाद बचे वाले पैसे से मेरे को फ्यूल भी मंगाना है और देखना भाई फ्यूल कितना है अपने पास तो सबसे पहले इन सब सामान को बुला लेते हैं अब इसमें तो लगेगा टाइम लेकिन भाई यहाँ पे फ्यूल देख लो अब इसको भी बुला लेते हैं जितने बचे अपने दो सौ उनचास या जितने बुला लेते हैं ठीक है अब इन सबको डिलीवर होने में तो लगेगा टाइम लेकिन एक चीज में बिल्कुल टाइम लगेगा जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के घंटे को भी जरूर दबा देना ताकि आपसे वीडियो कोई भी मिस ना हो तो भाई मैडम जी आ चुकी है रूम नंबर वन की की रख दो और मैडम जी क्या सामान चाहिए आवर्स ले ले जाओ जाओ मैडम जी ऐसे कस्टमर चाहिए मेरे को ठीक है अब इनको करते हैं बंद और इनको करते हैं भाई अच्छे से अलाइन ठीक है चलो भाई ये हो गया कंप्लीट और भाई साहब यहाँ पर अभी ना मेरे को चिप्स के पैकेट और चाहिए लेकिन भाई मैं ना अभी इसको खाली नहीं कर रहा हूँ नहीं भर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है अभी बड़ा वाला फ्रिज आ जाएगा तो भाई मेरे को फिर से वही सब करना पड़ेगा तो इसको छोड़ो अभी पांच डॉलर और यहाँ से अब कुछ भी नहीं मिला यहाँ से ठीक है चलो भाई वैसे मेरी नाइट शिफ्ट तो कभी खत्म हो चुकी थी लेकिन मैं फिर भी ओवर टाइम कर रहा था लेकिन अब मैं जा रहा हूं भाई सोने के लिए तो तो भाई भाई मैं मिलता आपसे सुबह लोग गुड नाइट भाई लोग तो भाई लोग लो। तो लो, सुबह के नौ बज चुके और मेरी नींद ये डिलीवरी बॉय वाले ने खोल दी अब यार अपना जितना भी सामान है डिलीवरी का वो ले लेते ले हैं यहाँ से और यहाँ पे अपना जो एम्प्लॉय वो भी मदद कर रहा है ठीक है और ये रहा अपना बड़ा वाला फ्रिज और अब ये रहा अपना जितना भी कोल्ड ड्रिंक का सामान मंगाया था ये। ये अपने ये यहीं पे अपन लोड कर लेंगे और वहां पे जाके भाई अपने सिर्फ एक दो चीजें लोड करनी पड़ेगी ठीक है चल भाई तू जा यहां से और तू क्या कर रहा है अच्छा डरा दिए भाई इस बंदे ने मेरे को ठीक है अब यहाँ पे इसको लोड कर देते हैं ऊपर पानी की बॉटल ठीक है आ, ये है तो इसको यहाँ पे लगाऊंगा मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा ठीक है इसको यहाँ पे अच्छा लगेगा ये ठीक है ठीक है तो भाई यहाँ पे जितना सामान हो सकता था मैंने लोड कर दिया आप भाई मैं इसको लेके जा रहा हूँ अपने स्टोर पे और अभी जगह कुछ ज्यादा ही अपने पास तो अपन इसको है ना अच्छी जगह लगा देंगे जैसे कि यहाँ पे आवे भाई सीधी आजा सीधी आजा आजा भाई आजा जा भाई इधर लगा दू क्या चलो भाई यहाँ पे लगा दिया आप वैसे तो इसको बंद करते हैं ठीक है इसको यहाँ पे लगा ले रख देते हैं अभी तो फिलहाल के लिए और इस वाले प्लग को यहाँ से उठा के मैं ऊपर ले जाता हूँ ठीक है अरे यार ये कहाँ लगेगा ठीक है भाई तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है अभी नहीं इसको भी जगह बची है भाई बहुत ज्यादा जगह बची है ठीक है ये हो गया अब सही है ठीक है इसके प्लग को उठाते हैं ऊपर लगा देते तो भाई ये हो गया शुरू अब भाई यहाँ बचा कु जितना भी सामान है कोल्ड ड्रिंक वो लगा देते हैं और वो वाला फ्रिज मैंने कर दिया अभी बंद तो मैं उसको भी भेज दूंगा क्योंकि फालतू तो में उसको भाई मेरे को रखना नहीं है मेरे स्टोर में और थोड़ा बहुत पैसा मेरे को मिल जाएगा उससे वैसे स्टार्टिंग से वाला फ्रिज जब मैंने अभी रखा हुआ था अपने स्टोर पर लेकिन भाई अब वो बिक चुका है मतलब मतलब किसी काम का नहीं रहा तो भाई ये क्यों बचारा क्यों नहीं जा रहा भाई ये भाई ये भाई अब ये नहीं भरा रहा पता नहीं क्यों चलो भाई ये वाला शायद से अब नहीं भराने वाला तो इसको छोड़ो और ये इससे भी निकाल लेते सब की सब बॉटलें अपन जितनी निकल पाए मैंने अभी ये वाला बेचा नहीं है तो भाई मेरे को अच्छा खासा एक वो मिल गया वो कैरेट मिल गया जिससे यार अपन है ना इस सब सावन को इसमें लोड कर सके ठीक है चलो भाई ये हो गया रेडी अब भाई इसके अंदर थोड़ी बहुत जगह है तो निकाल लेते हैं चलो भाई ये भी हो गया है अब भाई साहब इसको लगा देते हैं चलो ठीक है अब यार ये वाले को बाय बाय करने का टाइम आ गया तो मैंने ही कर दिया है सोल अब भाई इसको यहाँ पर ब्लॉक करते हैं और यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ हाँ यहाँ, तो यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पे चीजें लगा सकते हैं तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को बोल देता हूँ कि ऊपर ये वाले सेक्शन के अंदर लगेगी ये वाली कोको कोला की बॉटल्स जो है यहाँ पे ये रही और इस तरफ लगेगी भाई पानी की बड़ी वाली बॉटल ठीक है स्मॉल नहीं बड़ी बड़ी ठीक है इधर भी वही लगा देते हैं क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने अलग सेक्शन बना रखे जिससे यार कस्टमर्स को भी आसानी हो और यहाँ पर भी ऊपर और नीचे वाले दो पानी रख देते हैं ये सही रहेगा ठीक है यार नीचे रखेंगे भाई अपना यहाँ पर आएगा जूस एप्पल वाला एप्पल वाला ये ना हाँ एप्पल वाला है ये भी एप्पल वाले करते हैं ठीक है चलो भाई यहाँ पर मैंने लगा दिया है और अभी ये नीचे की तरफ तो मैंने डिसाइड नहीं किया था तो क्या लगाऊंगा लेकिन नहीं ठीक है लेकिन ये अब यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है ठीक है चलो कोई नहीं अभी ये सब सामान अच्छा मैडम जी की चप्पल थी मुझे लगा कुछ सामान गिर गया है ठीक चलो अब यहाँ से कलेक्शन कर लेते हैं एक सौ अठारह और एक कस्टमर आ चुके हैं भाई अपने ऑफिस पे तो जल्दी से वहां चलते दौड़ के और वहां पे अटेंड करते हैं मैडम जी को ठीक है चेकआउट करना है हाँ चेकआउट करना है ठीक है अब यार एक बंदे को अपन हाउस कीपिंग के लिए हायर कर लेते हैं ठीक है नीमा आ, नो स्टार अच्छा भाई मैं और स्टाफ में मैं हायर नहीं कर सकता क्योंकि यार अभी ना मेरे को है ना अपना जो वेयर हाउस के साथ साथ मेरे को अपने जो स्टाफ का रूम है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा ठीक है यार अपन बढ़ा देंगे लेकिन अभी तो फिलहाल हाउस कीपिंग पे चलते हैं और सिर्फ तीन चार सामान चाहिए अपन को वहाँ पे ठीक है चल, 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 चलते चलते अपने गेमिंग रूम की तरफ क्योंकि वो गल गेमिंग रूम है और यहाँ पे तो वही वैसे साफ करने के लिए तो कुछ है नहीं ज्यादा बस ये उठा लेते हैं और कुछ है क्या ठीक है ये भी उठा लेते हैं अंदर चलते हैं अंदर भी कुछ है अंदर कुछ खास है नहीं ऐसा तो यहाँ पर मेन मेन चीजें लगा देते हैं जैसे टॉयलेट पेपर जो चाहिए वो लगा देते हैं यहाँ पे अरे ये कहा बार बार आ जाती है भाई ठीक है ये भी हो गया और ये भी हो गया ये भी हो गया और कैसा गंदा था था? ये गंदा ये वाला वही वा गंदा है? ये वाला गंदा है तो इसको यहाँ रख दो अभी फिलहाल के लिए आप जल्दी से अपने ब्लैंकेट सेक्शन में देखते हैं ठीक है लखनऊ एक पड़ा हुआ है तो इसको यहाँ फेंक देते हैं और बेडशीट यहाँ लगा देते हैं चलो अपना यहाँ का काम खत्म लेकिन टावेल तो लगाने भूल गया भाई यार क्या बार बार भूल जाता है तो टावे लगाओ यार यहाँ पे तो भाई यहाँ पर देखो यार मेरे है ना अभी पूरे का पूरा जितना भी सामान था मैंने लगा दिया थोड़ा बहुत जो सामान बच गया है उसको मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा तो यहाँ पर देख लो बड़ा वाला फ्रिज ना भाई मतलब ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट जूस लगा पा रहा है अपने अंदर ठीक है और यहाँ पर भी ये खत्म होने वाले तो मैं इसको भी मंगाना है लेकिन अभी पैसे कलेक्ट कर लेते हैं अपन तो भाई कलेक्शन भी कंप्लीट हो चुका और यहां है और यहाँ पर बचा हुआ जल्दी से चलते हैं कितना जनरेट कर लिया एक है, मनी। है। चलो, जाता, $426, भाई, ही आ गया। लेकिन अब मैं अपग्रेड कर लेता हूँ वेयर हाउस को थ्री फिफ्टी डॉलर लग रहे तो ठीक है चलो वेयर हाउस मैंने कर लिया है अपग्रेड लेकिन अब ना भाई मेरे को इसके लिए एक सामान लेना है जो है भाई इसकी शेल्फ तो ठीक है शेल्फ कहां से आएगी यही भी आएगी ना शेल्फ तो नहीं भाई यहाँ पर नहीं है लेकिन भाई यहाँ पर तो नहीं है काम करते हैं देखते हैं वेयर हाउस है भाई तो ठीक है भाई पे भर भर के हैं तो यहाँ पर भी रख सकते हैं यहाँ पर भी दो मंगा लेते हैं ठीक है चलो भाई मैंने दो मंगा लिया अब आ जाएंगे इस पर भी नहीं आएंगे ट्रक में ही आएंगे तो तीन ही मंगा लेते हैं भाई लगे यार अलग अलग कैटेगरी की नहीं एक ही मंगा लो ये वाली इसको दो कर दो इसको भी दो कर दो ठीक है चलो भाई अबे इसको भी क्या हो गया ट्रक में नहीं आएगा क्या अब तो यार ये क्या चीज है भाई आई आएगी ट्रक के अंदर ठीक है मैंने इसको भी ऑर्डर कर दिया अब ना भाई मैं जा रहा हूँ भाई सोने के लिए क्योंकि भाई यहाँ पर जितना भी मेरा काम था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया और यहाँ से थोड़ा बहुत कैश भी मैंने निकाल लिया है तो भाई अब मैं जा रहा हूँ अब सोने के लिए तो भाई लोग गुड नाइट भाई लोग सुबह के पांच बज गए और अब मेरी डे शिफ्ट फिर से चालू हो गई है क्योंकि भाई इस बंदे ने मेरे को उठा दिया मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं था अरे भाई वह तो तेरे को उड़ा दूंगा साले गोली मार दूंगा तेरे को बम से उड़ा दूंगा ठीक है यहाँ पे एक शेल्फ आ चुका है तो इस शेल्फ को यहाँ पे लगा देते हैं ठीक है और वैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ कि अपना जो ये है क्या बोलते हैं अपना वेयर हाउस कितना बड़ा हो गया है तो देखो भाई आ, अभी ना थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये लेकिन मैं इसको यहाँ लगाता हूँ और इसको यहाँ लगा चलो चलो भाई ये देखो मैंने थोड़ा सा बड़ा हो गया है अभी न जितना भी सामान यहाँ अनऑर्गनाइज है सबको फेंकता हूँ यहाँ पे अबे लग जा भाई लग क्यों नहीं रहा ये पता नहीं है भाई क्या लगे माजरा इस गेम का अच्छा यहाँ पे लग रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं इधर ही लगा देते अपन भाई कोई दिक्कत कोई जल्दबाजी नहीं है भाई अपन लगा देते हैं वॉशिंग मशीन भी भी यही रखी हुई है मैं जितने बॉक्सेस उन सबको लगा रहा हूँ और मैं बाद में इन सब बॉक्सेस को अरेंज कर दूंगा कैटेगरीज वाइज जैसे फूड का फूड में रखूंगा और जितना भी यहाँ पे टॉयलेटरी का सामान है उन सबको साथ रखूंगा ठीक है चलो मेरे को एक एक करके लगाना है तू क्या कर रहा है वहां खड़े खड़े भाई भग जाए ऐसा फ्री के पैसे दे रहा हूँ उधर वो ठीक है चलो तो भाई मैंने ही ना यहाँ पर इस वाले शेल्फ को थोड़ा गलत लगा दिया था इस वजह से भाई यहां पर है ना ये सब भरा नहीं रहते हैं। ठीक है इसको भी अब ध्यान से भर देते हैं ठीक है ये भी गया ठीक है भाई चलो अब ये सब काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है अब वॉशिंग मशीन की बारी है सबसे पहले इसको अनप्लग करेंगे ठीक है इसको रखेंगे या हाँ पैके यहाँ पे सही रहेगी है इसको उठाते हैं भाई बहुत भारी है यार ये तो ठीक है इसको लगा देते हैं वापस से चालू ठीक है चलू हो जा भाई चलो यहाँ से सा सामान तो निकल गया है अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं अरे अब क्या हो गया अच्छा ठीक है अब लग गई और ये सब सामान को भी यहाँ रख नहीं सकते ठीक है चलो वैसे यार मैंने तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज तो कर दिया यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन यहाँ पर देखो अब मैंने ना यहाँ पे फूड आइटम्स नीचे और थोड़ा बहुत फ्लोर टाइल्स नीचे लगा दिया और यहाँ पे तो पहले से ऑर्गेनाइज था चलो भाई अब ये यहाँ से चलते हैं यहाँ से और डिलीवरी वाले ट्रक वर्क को यहाँ से भगा देते हैं ठीक है अभी ना भाई यहाँ पे अपना काम हो गया है और भाई यहाँ पे किसने गुस्ताखी कर दी यहाँ पे भाई कचरा फेंकने की ठीक है ये भी साफ हो गया है तो भाई लोग हमारा जो काम था आजकल में जल्दी कम्प्लीट हो गया लेकिन भाई मेरे को है ना अभी भी यहाँ पर थोड़ा जल्दी में काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने जरा सा भाई अपने बिजनेस के ऊपर नजर नहीं दी तो भाई यहाँ पे मैं लॉस में जा सकता हूँ ठीक है चलो भाई ये भी भर दिया मैंने अब मेरे को चिप्स के पैकेट मंगाने और ये डोनट्स जो भी है मेरे को ये भी मंगाने पड़ेंगे ठीक है यार मेरे को फिर से जाना पड़ेगा एक और संजय चेकआउट करने के लिए आ चुके हैं भाई आ जा भाई सुबह हो गई है ठीक है चेकआउट कंप्लीट चलो अब ना भाई यहाँ पर अपना सामान जो था वो तो आएगा आए ही आएगा लेकिन अब ऐड से कुछ भी जनरेट नहीं हुआ ठीक है कोई दिक्कत नहीं अभी वैसे भी हमारा जितना भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है और वैसे भी आज ने भाई बहुत ही ज्यादा खर्चा कर लिया और मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इस माल ने जो अपना वेयर हाउस है वेयर हाउस है उसके ऊपर थोड़ा बहुत रंग लगा दूंगा ताकि थोड़ा सा ये भी अच्छा दिखे तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही अगर आप सभी को ये वाला एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के घंटे को भी जरूर दबाना तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर